बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। तो मैं ये आपके साथ जो मेरी की लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करने जा रहा था, इसलिए क्योंकि मैं ख़ुद जाने का प्लान कर रहा था एक हफ़्ते से। तो जो मौजूदा करंट कंडीशन है उसके पेशे नज़र मैंने अपना प्लान पोस्टपोन किया है। तो जो ताज़ा तरीन अभी तक पोजीशन है मरी की, तो वो अब आज तक तो काफ़ी हद तक जो रोड्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। जो स्पेशली प्रॉब्लम बना है स्नोफॉल का, वो कंडना से बाड़ियाँ तक जो दरमियान का एरिया है ना, जो बाड़ियाँ से आगे केपीके को रास्ता जाता है, यूबिया की तरफ जाता है, नथिया गली की तरफ जाता है, उस पे ये दरमियान में ये बहुत ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम है। अभी भी वो 100% रोड ओपन नहीं हो सका, लेकिन इससे पीछे कंडना से इस्लामाबाद की तरफ और ऊपर माजिका गली और मा रोड की तरफ रोड काफ़ी हद तक, मतलब आप समझने 80 से 90% तक क्लियर हो चुका है। और आगे जो बाड़ियाँ तक रास्ता है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो सका। हालांकि जो अदारे हैं वो अभी तक अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जितने जो लोग फंसे हुए थे उनको कैंपों में मुंतकिल कर दिया है। तमाम जो भी हर वन बाई वन गाड़ी को उन्होंने चेक करके नाक करके और उनमें से जो जितने सयाह थे उनको निकाल के उन्होंने कैंपों में उनको खाना पानी ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वक्त तक तकरीबन जो हालात हैं वो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले 23 जो सिया है वो हमें से नहीं रहे, वो अपनी जो लाइफ है वो लॉस्ट कर चुके हैं। तो सबसे जो इसमें बदकिस्मत फैमिली हैं, इनमें मर्दान के 4 दोस्त हैं, आगे मैं जाके उनकी आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, जो उनकी लाइफ की आखिरी सेल्फी थी वो बदकिस्मत है। और उसके बाद जो नवीद एक SI हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनके साथ बच्चे थे, वो पूरी फैमिली वो हमें नहीं रहे। तो वो ये दो स्पेशली जो है ना ख़ानदान, ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है। इनमें टोटल जो अभी तक AULT होती है 23 हो चुकी हैं इस वक्त तक। तो मैं ये व्लाग इसलिए कर रहा था, मैंने खुद प्लान कर रहा था जाने का एक हफ़्ते से, मैं व्लाग बनाने के लिए ये स्नोफॉल का जाना था मरी। तो जब अभी तक दो चार पाँच दिन से ये लगातार न्यूज़ आ रही थी ऐसी रश की, पहले रश की आ रही थी, मैंने वो डिले करता गया अपना प्लान रश की वजह से। तो अभी जो लेटेस्ट है उन्होंने वैसे ही बंद कर दिया है। तो ये मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो KPK है उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। हालाँकि जो मेट्रोलॉजिस्ट है उन्होंने इन्फॉर्म तलकादारों को 31 दिसंबर को और 5 जनवरी को इन्फॉर्म किया था ये स्नोफॉल की कंडीशन, इसके बावजूद मुतलकादारों ने काम मुतलका नहीं किया। ये हैं वो बदकिस्मत ऐसे इस्लामाबाद पुलिस के। तो ये आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, जो 4 दोस्त हैं मर्दान से वो भी स्नोफॉल देखने के लिए गए थे, ये भी ऐसे ही अपनी पूरी फैमिली के साथ गए थे और इधर स्नोफॉल में ये फंस गए। तो फिर ये अब पूरी फैमिली समेत ये बदकिस्मत है, इनकी गाड़ी का नंबर गलबन 483 था, ठीक है। तो जो रेस्क्यू 1122 की तरफ से भी एक लिस्ट जारी की गई है जो कैजुअलिटीज़ की हुई हैं, ठीक है। तो ये मुतलकादारों ने इन्फॉर्म भी किया था, जो मेट्रोलॉजिस्ट है मोहम्मद रियाज, उनका बयान है, मैंने 31 दिसंबर और 5 जनवरी को मैंने वार्निंग जारी की थी स्नोफॉल की। ये जो दूसरी बदकिस्मत है वो दोस्त हैं, ये 4 दोस्त थे, ये मर्दान से आए थे स्नोफॉल देखने के लिए। तो ये इनकी लाइफ की आखिरी सेल्फी है। तो ये जब उन्होंने अपलोड की थी उस स्नोफॉल में, जब ये वहाँ फंसे हुए थे, तो उनकी ये इनकी लाइफ की आखिरी सेल्फी साबित हुई है। ये वो बदकिस्मत 4 दोस्त हैं। तो ये इनकी एज भी 21 से 27 के दरमियान बताई जाए, मतलब ये वेरी यंग थे अभी। तो ये स्नोफॉल देखने के लिए मर्दान से आए थे। तो बाकी अभी जो लोग जा रहे हैं, आप अपने प्लान को, जिनका प्लान है वो अभी पोस्टपोन कर दें। बाकी KPK वालों ने अभी अपना जो अगर कागान नरान और शुगरान का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है, ये मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, ठीक है। वो भी सयाह को आगे नहीं जाने जा रहे हैं। तो अभी रास्ता जो बाड़ियाँ से आगे है वैसे भी बंद है। तो बाकी जो रास्ता है वो खुल गया है, जो PC बुरबन की तरफ जा रहा है और ऊपर मार रोड जीका गल की तरफ, वो रास्ते ओपन हो गए हैं। तो बाकी जितने सयाह हैं अभी तक वो सारे उन्होंने मुतलकादारों ने जो है उन्होंने कैंपों में मुंतकिल कर दिए हैं और उनको खाना और कैंप और बिस्तर वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कांडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपके लेटेस्ट वीडियो इस तरह की आप तक बार वक्त पहुँच सके।